दोस्तों, क्रिकेट और वर्ल्ड कप से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, भारत के कुछ बड़े मीडिया चैनल्स जैसे कि पंजाब केसरी, अमर उजाला और ANI, इन सभी चैनल्स ने आज एक खबर फैलाई। इस खबर में ये था कि बाबा रामपाल जो हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था और उन्होंने अपनी जो बेल है उसको बढ़ाने के लिए अर्जी दी थी और सरकार ने उसे खारिज करते हुए ये कहा है कि उनको अब आगे अर्जी नहीं मिलेगी और उनको वापस जेल में जाना होगा। तो इसको लेकर बाबा रामपाल के जितने भी समर्थक हैं उन्होंने इसे फेक न्यूज़ बताया है और उनका कहना है कि रामपाल वो रामपाल नहीं है, ये वो रामपाल हैं जो कि करनाल के रहने वाले हैं, इनका बाबा रामपाल से कोई भी लेना देना नहीं है। ट्विटर पर इसके खिलाफ लोगों ने मुहिम छेड़ दी है कि भारत की जो मीडिया है वो अब सिर्फ फेक न्यूज़ दिखाना चाहती है, फेक न्यूज़ दिखाकर सभी मीडिया चैनल से TRP बटोर रहे हैं, उनको असली खबरों से कोई भी मतलब नहीं है। आपको हम कुछ ऐसे ही फ़ोटोज़ यहाँ पर दिखा रहे हैं जिनमें साफ साफ दिख रहा है कि लोगों ने सारे प्रूफ के साथ ये बताया है कि ये बाबा रामपाल का केस नहीं था, ये रामपाल किसी करनाल के रहने वाले रामपाल का केस है जिसे मीडिया बाबा रामपाल के नाम से न्यूज़ चैनल्स पर दिखा रही है और अपनी TRP बढ़ा रही है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस खबर पर अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं को नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।